वर्सेस डेंजर न्यूक्लिया वर्सेस जल्टा पीटी। एम चौक यहाँ पर अभी के लिए देखते हैं इनका एम चौक होता है या जैसा नोवा अभी तक बताते आए हैं कि इनका एम काफी ज्यादा अच्छा। जंप शॉट यहाँ पर दिया राइट साइड का टीबीपी कंटेनर और डेल्टा को यहाँ पर सिंगल हैंडेडली एक लेकर डाउन दूसरा डाउन स्कोर्स 2-0। देखते ही यहाँ पर राइवलरी की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं पर हाइड्रा को जो शुरुआत चाहिए थी वो मिल चुकी है 2-0 की स्कोर लाइन। न्यूक्लिया अभी तक के लिए अपने हेलमेट और वेस्ट को पूरे तरीके से फ्रेश कर बैठे हैं। हल्का सा डैमेज यहाँ पर मैं कहूंगा वेस्ट का हो चुका था एम चौक का बट राइट हैंड साइड से एक बार फिर से दोनों प्लेयर पाउंस ऑन करते हुए अक्षय बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे डाउन। डेल्टा भी अगर यहाँ पर डाउन हो जाते हैं तो स्कोर भी 2-4 बट नहीं यहाँ पर डाउन हो जाते हैं। एम चौक ने न्यूक्लिया के पास जिम्मेदारी थी बट डेल्टा यहाँ पर रूल को जस्टिफाई करते हुए स्कोर लाइन 3-2। पहला फेज जो 10 पॉइंट्स का है नोवा क्या लगता है 10 पॉइंट्स किसके पास जाएंगे पहले? यार मैं तो भाई डेंजर को ही यहाँ पे फेवर करूंगा। यार आप अपनी तरफ से राइवलरी को फेवर करें, मैं डेंजर को फेवर करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे टीम डेंजर पहले 10 पॉइंट्स को कवर कर पाती है फिर यहाँ पे राइवलरी की टीम। ओके सो यहाँ पर अभी तक के लिए तो 3v3 का ये बैटल चल रहा है, संगीन चल रहा है मुकाबला, ऐसा सिंगल हैंडेड नहीं है बट यस न्यूक्लिया का ये इतनी दूर ये मिड रेंज में काउंट हो जाता है कई बार। लोग यहाँ पर नॉर्मली एडीएस खोल देते हैं, इनसेन के प्लेयर्स ने इस रेंज में एडीएस खोल दिया था बट पिछला जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था वॉज शेयर हिप फायर और वो हिप फायर वॉज सो वेरी ऑन पॉइंट। डेल्टा वापस आगे बढ़ते हुए ये सेंटर जो एरिया रहता है ना वेयर हाउस का जो एरिया रहता है यहाँ से आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, आपको अच्छा इंटेल मिल जाता है कि प्लेयर्स कहाँ कहाँ से आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली आप रीफायर्स देते हैं। डेल्टा का भी मैं कहूंगा एडीएस हिप फायर काफी अच्छा चल रहा है, एडीएस हिप फायर तो नहीं बढ़ा बट एडीएस में जो प्लेसमेंट है जो डैमेज देने का फ्री फायर है उसका एंगल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्कोर लाइन बहुत अच्छी है 5-5 की हो चुकी है, टक्कर का मुकाबला नेक टू नेक की फाइट ये जाएगा, ये करीब 34-37 ऐसा जा सकता है, बिल्कुल वन साइडेड तो नहीं रहने वाला बिकॉज टक्कर की फाइट दे रही है राइवलरी की टीम। यार मैं भी मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये जो अपने पॉइंट्स हैं 30 भी टच नहीं करेंगे दोनों टीम्स के लिए। आप देखना ये दोनों टीम्स बिल्कुल कवर टू कवर खेलने वाली हैं और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया भाई न्यूक्लिया ने, यहाँ पे अक्षय ने भी बहुत बढ़िया यहाँ पे डेंजर को काइंड ऑफ एम चौक का सीन करवा दिया। अक्षय बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रैंप का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन न्यूक्लिया भी लाइक नहीं 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 हम अपना एम बिल्कुल रैंप पे भी बिल्कुल ऑन पॉइंट रखते हैं, बिना किसी बीटी के आपको यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। हाइड्रा के पास 7 आ चुकी है, एम चौक को उसमें से मिलते हैं 4 फिनिशेस और दोनों प्लेयर्स टीम राइवलरी के अभी तक के लिए सेंटर में थे बट न्यूक्लिया कवर का बेहतर इस्तेमाल, एक फिनिश और दोनों प्लेयर्स यहाँ पर अब एक साथ बाउंस ऑन करने वाले डेल्टा पर, राइट लेफ्ट के बीच में सैंडविच सिचुएशन और ये सैंडविच डेल्टा को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। स्कोर लाइन 6-9, 10 पॉइंट्स की जो बात थी उसमें पहले आगे अपनी लीड को कंटिन्यू करते हुए आपको मिल सकते हैं टीम हाइड्रा के खिलाड़ी। अभी तक के लिए तो डिसेंट चल रहा है, कमबैक कभी भी हो सकती है बट दोनों ही प्लेयर्स को काफी अच्छा डैमेज दे चुके हैं। डेंजर और बढ़िया कवर पा रहा था न्यूक्लिया की तरफ से, एम चौक को मिलती है 8 यहां पर फिनिश पॉइंट्स, 11 में से 8 एम चौक के, कहां से एम चौक नाम रख दिया इन्होंने, एम इज सो वेरी गुड मैन, एक-एक एम एक-एक बुलेट का कनेक्शन यहां पर ऑन पॉइंट जा रहा है। देखिए यहां से एडीएस खोल सकता था बट नहीं, हिप फायर का हल्का-फुल्का डैमेज चला सामने लो ऑन एचपी, दोनों प्लेयर्स वेयर हाउस के अंदर है, पीछे से लेफ्ट साइड से एक आएगा बट इसमें सैंडविच बन सकते हैं, 1v2 करने का मौका यहां पर कर सकते हैं या नहीं कर चिट करेंगे, उसके बावजूद भी स्कोर भी अच्छा यहां पर एम चौक बिना एम चौक करे 13 फिनिशेस के साथ स्ट्रीक चल रहा है यहां पर अभी तक के लिए डेंजर को और डेंजर का गेम प्ले जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी डेंजरस रहने वाला है। यस इट इज, इट्स नॉट रियली इजी टू रिटेलिएट अगेंस्ट दिस प्लेयर बिकॉज़ स्कोर लाइन इज ऑलमोस्ट डबल एज ऑफ नाउ, स्टार्ट वाज डिसेंट फ्रॉम राइवलरी बट टीडीएम के अंदर एक चीज होती है कि अगर आप स्टार्टिंग में हल्का सा पीछे हो जाओ कमबैक बहुत मुश्किल होती है। यार मैंने आपको पहले ही बताया था यार क्या मैं क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ यहाँ पे डेंजर और न्यूक्लिया से भाई, वो अपनी मेरी एक्सपेक्टेशंस में बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, होपफुली फैंस की भी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। राइवलरी को हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते बिकॉज भाई उनको ही पता लग गया होगा कि हाउ सीरियस इज दिस गेम नाउ, उनको बिल्कुल अगर उनको कम बैक करना है तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देना पड़ेगा भाई इफ दे वॉन्ट टू कम बैक, एक दूसरे को फुल कवर फायर के साथ यहाँ पे गेम को कंटिन्यू करना पड़ेगा। डेल्टा यहाँ पे आगे बढ़ते हुए फ्लैश का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, एम चौक को शायद यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा, यस डाउन कर दिया गया एंड कवर फायर न्यूक्लिया की तरफ से थोड़ा सा कम रहा, वहां पे न्यूक्लिया की थोड़ी एचपी लो है, यहाँ पे अक्षय की भी 1 HP भाई, देखते हैं आगे कैसे बढ़ता है ये मैच। 6 पॉइंट की लीड टीम डेंजर के पास, टीम हाइड्रा के पास यहाँ पर एक अच्छी लीड अभी तक के लिए जरूर से है। ओ हो राइवल रिएक्शन सो वेरी गुड मैन, 4 फिनिशेस इनके पास भी आ चुके हैं बट अकेले प्लेयर पर उतना ज्यादा अटैक नहीं कर रहे हैं। मैंने डेंजर को यहाँ पर अभी तक के लिए 1v1 में आगे जाते हुए देखा और एक और बार इन्होंने 1v2 कर दिया, हल्की सी कमबैक दिखी थी राइवलरी से बट डेंजर मैच को दूर लेकर जाते जा रहे हैं। एक बार
स्कोर लाइन पे नजर डाले ना नोवा, 18 फिनिशेस हाइड्रा के पास है, 14 अकेले एम चोक के पास, न्यूक्ली के पास है ना, 4 ही फिनिश अभी तक के लिए आया है। स्पॉट करा वहां पर अक्षय को, एडिस करके उन्हें भी डाउन कर देंगे, डेल्टा को भी स्पॉट कर लिया जाता है, डैमेज हुआ नहीं है बट उसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है रैयत का रिकॉर्ड टूटने वाला है, बट नहीं, डेल्टा के साथ का ये 1v1 सिर्फ एक सिंगल पिक्सल जिसे आप कह सकते हैं उस पर सर्वाइव कर रहे हैं डेल्टा। न्यूक्लिया चाहे तो आगे जाके अटैक कर सकते हैं बट इतने में कवर फायर आ जाएगा अक्षय का, बट इंतजार कर रही है डेंजर के भी पीछे से आ जाने का। और अभी हेड टू हेड की फाइट जिसमें न्यूक्लिया अभी तक के लिए हेड चेस करने में सक्षम रहेंगे, स्कोर लाइन 12 और बिल्कुल उसी के उल्टे नंबर्स हाइड्रा के पास जाएंगे 21। भाई यहाँ पे जो इनका टीम वर्क है ना उसको आप कंट्रीब्यूशन जो दोनों प्लेयर्स का है वो फिनिश बेसिस पे आप गेस कर ही नहीं सकते, बिकॉज न्यूक्लियर का जो कवर फायर है ना वो इतना कीमती है डेंजर के लिए कि उसके बिना थोड़ा सा चौकसीन हो जाता है। एंड दोनों का जो पेयर है वो इतना जबरदस्त एक दूसरे को कवर देता है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मारा भाई अक्षय ने, अक्षय भी लाइक अभी गेम बाकी है मेरे दोस्त, अभी 15-21 का स्कोर हो चुका है भाई, 6 पॉइंट्स की लीड हाइड्रा के पास है, लेट्स सी कितने पॉइंट्स की लीड से यहाँ पे हाइड्रा जीती है, अगर जीती है तो बहुत ही बेहतरीन मारा है यहाँ पे भाई डेंजर ने जो एक्वायर है भाई। भाई मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये कम से कम तीसरा या चौथा यहाँ पे 1v2 किया है डेंजर ने भाई, डेंजर डेंजरस खिलाड़ी है यार। तो रेत का रिकॉर्ड टूटने वाला है यहाँ पर, मुझे कि वो 27 फिनिशेस का रिकॉर्ड जो आप डेंजर बनाने जा रहे हैं वो शायद कुछ तोड़ भी पाएगा। एम चोक एडीएस खोलते हैं, डॉट एचपी पर डेल्टा सर्वाइव करते हैं, बट उसके पहुंचने से पहले ही न्यूक्लियर अपने रोल को जस्टिफाई करते हुए 15-25 की स्कोर लाइन अपने नाम कर जाते हैं। अच्छा स्टार्ट चल रहा था यहाँ पर राइवलरी का, बट उतना मौका कमबैक का दिया ही नहीं है, बट यू के चलते यहाँ पर आपका मैनेजमेंट है, पूरा एफर्ट्स यहाँ पर अभी तक के लिए डालती हुई एम चोक यहाँ पर हो जाएंगे डाउन, डॉट एचपी पर सर्वाइव करते हुए न्यूक्लियर कवर के अंदर जाना चाहेंगे, कवर के अंदर पहुंच भी जाएंगे, इंतजार करेंगे डेंजर के वहां से आ जाने का। आई थिंक जब तक आगे जाएंगे डेल्टा न्यूक्लिया पर पाउंस ऑन करने के लिए तब तक के लिए वो आराम से हील अप कर लेंगे एंड फ्रेश बैटल के लिए बिल्कुल तैयार। बॉडी यहां पर कर लिया जाएगा डेंजर को और डेल्टा का भी यहां पर मैं करूंगा कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छा बनता हुआ आता है। न्यूक्लिया की एचपी थोड़ी सी ज्यादा थी जिसका फायदा उठाया बट अक्षय ने उनका ट्रेड निकाला। एक बार फिर से ये बैटल रीसेट हो चुका है जिसमें दोनों फ्रेश हेलमेट वेश के साथ हाइड्रा के पास वापस से आते हैं। लीड अच्छी है, एफर्ट्स अच्छे चल रहे हैं राइवलरी के लिए भी, बट वो जो 10 से 18 पॉइंट्स तक का जो बफर था ना उसमें बहुत अच्छी लीड बना के रख ली हाइड्रा ने और वहां पर मैच से दूर हो गई राइवलरी की टीम और थोड़ा सा पीछे जाते जा रहे हैं। यू नो अब यहाँ पर ज्यादा कुछ करना नहीं है नोवा हाइड्रा को, अब एक एक प्लेयर को भी डाउन करते जा रहे हैं, अच्छे ट्रेड्स निकालते जा रहे हैं, ये मैच आपके फेवर में जा सकता है। यार एक चीज अगर आप नोटिस करो तो टाइम बहुत कम बचा है यहाँ पे, सिर्फ 2 ही मिनट बची हैं भाई। अगर राइवलरी को यहाँ पे कमबैक करना है तो दे नीड टू डू इट फास्ट। 6 पॉइंट की लीड अभी बनी हुई है, राइवलरी कम हो रही है, 5 पॉइंट, यस एग्जैक्टली कमबैक यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है मेरे को अभी यहाँ पे, लेकिन डेंजर यहाँ पे शायद कमबैक को बिल्कुल पूरा ट्राई करेंगे रोकने के लिए भाई। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैच के बीच में यहाँ पे राइवलरी के दोनों प्लेयर्स अभी एक साथ घूमना चालू कर दिए हैं, उनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे को फुल सपोर्ट देके खेलना पड़ेगा, लेकिन यार अभी एम चोक एंड न्यूक्लिया का टीम वर्क मैंने आपको बताया था यार, नेक्स्ट लेवल चल ही रहा है। ये वाले जो 2 पॉइंट्स वापस से अभी डाउन हुए ना 30-31 वाले, यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टोरी एंड कर दी जा सकती है, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अब कमबैक होने वाली है बिकॉज टाइम नहीं बचा। यही अगर आप 70 पॉइंट्स का करा दो ना तो शायद कमबैक हो भी सकता है, बट टाइम के चलते मुझे लगता है उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगी कमबैक राइवल तो ये टीम। 31 पॉइंट्स यहाँ पर हाइड्रा के पास, हेल हाइड्रा यहाँ पर 4 सेक्शन में स्पैम हो रहा है, एफर्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं दोनों टीम्स की तरफ से, डेंजर का गेम प्ले अलग ही लेवल पर जा चुका है। मैं देखना चाहूंगा कितने फिनिशर्स यहाँ पर डेंजर अपने नाम कर चुके हैं के रिकॉर्ड से कितने ज्यादा दूर है, बिकॉज़ आखिरी 1 मिनट बचा है, विल ही बी एबल टू ब्रेक द रिकॉर्ड जो 27 फिनिशेस का बनाया था कल के दिन में रहते हैं। और गाड़ एंगल पर आपको मिलेंगे डेल्टा वेली सर्वाइविंग स्ट्रेंथ ऑफ दैट एचबी एंड गोस डाउन अक्षय हैविंग 14 एम चॉक स्पोर्ट्स अबाउट एम चॉक टेक्स हिम डाउन एज़ वेल, मैच इज अबाउट टू कम टू एन एंड, 50 सेकंड्स यहां पर आखिरी के बचे, अक्षय के पास 12 दिख रहे हैं बट 22 ऑफ फिनिशेस के साथ एम चॉक यहां पर बढ़िया बढ़त बनाते हुए आखिरी के 5 बचे, 5ों से 5ों ले जाते तब भी सिर्फ 27 रहेंगे। रात का रिकॉर्ड इस मैच में टूटने से रहा बट आगे अगले राउंड के अंदर भी बिल्कुल तैयार है डेंजर, बिकॉज ऐसा खेलेंगे तो यार आप अगले राउंड में क्या प्रोबेबली यहां पर फाइनल्स भी खेलने वाले हैं और बहुत बहुत मौके मिलेंगे ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए आपको। मैं भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करो तो ये टूर्नामेंट के रूल्स में हमने एम असिस्ट को ऑफ रखा है, तो ये ट्रू बैटल ऑफ एम है यहाँ पे, एम प्लस टीम वर्क, ये दो चीजों पे आप ये गेम निकालोगे। एंड डेंजर एंड न्यूक्लियर का जो टीम वर्क आप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 10 पॉइंट की लीड ऑलरेडी बना चुके हैं, सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं भाई, अभी तो मैच ऑलरेडी कंक्लूडेड मान ही लो भाई,
There is no Oh chance my at all. God. And if I'm a nuclear He's weapon, dancing, man. Look at that. Look at that. the Inchoku with 23 finishes. 10 assists.